स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू वेलकम टू योर फ्री एजुकेशन चैनल पंकज साइंस वर्ल्ड। स्टूडेंट्स वी आर स्टडिंग द चैप्टर नंबर 2 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। तो बच्चों क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जो है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है सेल डिवीजन एंड इसेंशियल लाइफ प्रोसेस। तो सेल डिवीजन जो है ये इसेंशियल लाइफ प्रोसेस क्यों है, सेल डिवीजन हमारे बॉडी में क्यों होती है, सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं, सेल कैसे डिवाइड होती है और सेल डिवीजन का इम्पोर्टेंस क्या है, इन सब के बारे में हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का टॉपिक कुछ क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट हैपन्स टू द सेल ऑफ इंजर्ड टिश्यू। अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई टिश्यू इंजर्ड हो जाता है तो उस सेल के बारे में क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, वेदर न्यू सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द हीलिंग ऑफ वर्म। अगर कोई टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर इंजर्ड हो जाता है तो वहां पे सेल डैमेज होती है और वहां पे क्या होता है, वाउंड यानी कि जख्म हो जाती है और जख्म जो है कुछ दिनों में भरती है और पहले जैसा जो है वहां पे टिश्यू रिकवर होता है। तो ये क्यों होता है, बिकॉज द न्यू सेल्स आर फॉर्म्स, यस न्यू सेल्स आर फॉर्म्स ड्यूरिंग द हीलिंग ऑफ वाउंड। जब हमारी जख्म भरती है तो वहां पे नए सेल्स तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, डू द प्लांट गेट इंजर्ड व्हेन डू वी प्लक द फ्लावर, हाउ आर दोज वाउंड्स हील। जब हम किसी पेड़ का फूल जो है वो तोड़ते हैं, फ्लावर्स को प्लक करते तोड़ते हैं, या इस तरह से अगर किसी डहनी को तोड़ दिया जाता है तो प्लांट को भी इंसान की तरह जख्म होते हैं क्या, और जख्म होते हैं तो वो जख्म जो है वो भरते हैं क्या। यस, प्लांट्स आर ऑल्सो गेट इंजर्ड लाइक दैट ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स एंड दीज वाउंड्स आर हील, और वो जख्म भरते हैं। तो ये सभी जख्म क्यों भरते हैं, क्योंकि जहाँ पे सेल डैमेज होती है, और जहाँ पे सेल डैमेज होती है तो वहाँ पे नए सेल जो है वो बच्चों तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हाउ डज दीज वाउंड्स हील, यानी कि ये जो वाउंड्स होते हैं, ये जख्म होते हैं, ये कैसे भरते हैं। दीज वाउंड्स आर हील ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हाउ डज द ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑकर। अब कोई भी सजीव जो है वो जन्म लेता है तो छोटा होता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी जो है वो ग्रो करती है। तो बॉडी ग्रो कैसे होती है, डज द नंबर ऑफ सेल्स इन देयर बॉडीज इंक्रीज, इफ यस एंड हाउ। उनके बॉडी के अंदर सेल की संख्या बढ़ती है कैसे, तो इसका पहला तो आंसर है यस, द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस इन द बॉडी ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। कोई भी सजीव जब ग्रो होता है, उसकी बॉडी जब बढ़ती है तो उसमें सेल की संख्या बढ़ती है, और सेल की संख्या कैसी बढ़ती है बच्चों, देयर ऑकर्स द सेल डिविजन एंड ड्यू टू द सेल डिविजन न्यू सेल्स आर फॉर्म्स एंड द लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर प्रोड्यूस एंड जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ती जाएगी तैसे तैसे उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है। देयरफॉर सेल डिवीजन फॉर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो सेल डिवीजन की वजह से ही ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, हाउ डू द न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज इज फॉर्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑफ द सेम स्पीसीज। एक स्पीसीज जो है वो उसी तरह का, उसी स्पीसीज का नया इंडिविजुअल जो है वो तैयार करता है, यानी कि इंसान जो है इंसान के बच्चों को पैदा करता है, उसके साथ जो है यहाँ पे घोड़ा देखिए वो उसी के जैसे दूसरे घोड़े को जन्म देता है। तो ये किसकी वजह से होता है बच्चों, इसके लिए भी सेल डिवीजन की प्रोसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑल दीज थिंग्स आर हैपन ड्यू टू द सेल डिवीजन। तो ये सभी चीजें जो है बच्चों सेल डिवीजन की वजह से होती है। तो सेल डिवीजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सभी सजीवों के अंदर सेल डिवीजन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और सेल डिवीजन की वजह से ही ये सभी चीजें होती है। एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीजन, ओनली अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, यानी कि नया ऑर्गेनिज्म जो जन्म लेता है वो किसकी वजह से, सेल डिवीजन की वजह से ही होता है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स ऑफ सेल डिवीजन।
अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, यानी कि पहले का जो ऑर्गेनिज्म्स है वो नया ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, इसके लिए सेल डिवीजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। सेकेंड, अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो अप, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी डेवलप होती है वो भी सेल डिवीजन की वजह से होती है। एंड इमेसिएटेड बॉडी कैन बी रिस्टोर, तो इमेसिएटेड बॉडी इसका अर्थ क्या है, अगर हमारी बॉडी क्षीण हो जाती है किसी बीमारी की वजह से, हम दुबले पतले हो जाते हैं, तो उस बॉडी जो है वो रिस्टोर करने का काम जो है वो सेल डिवीजन की वजह से होती है, क्योंकि जब हमारी बॉडी क्षीण होती है तो वहाँ पे सेल जो है वो इंजर्ड होते हैं, तो सेल डिवीजन की वजह से नए सेल हमारे बॉडी के अंदर तैयार होते हैं और इस तरह से इमेसिएटेड बॉडी जो है वो रिस्टोर होती है। अब हम रुख करते हैं सेल डिवीजन की तरफ। तो सेल डिवीजन जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, नेम ऑफ दैट टू टाइप्स इज माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस एंड मियोसिस आर द टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। अब माइटोसिस और मियोसिस जो दो प्रकार के सेल डिवीजन है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेल्स, द टाइप ऑफ द सेल दे आर अंडरगोइंग द डिवीजन ऑन द बेसिस द सेल डिवीजन आर टू टाइप, यानी कि जिस प्रकार के सेल डिवाइड होते हैं उस तरह से सेल डिवीजन दो प्रकार के है। माइटोसिस सेल डिवीजन किसे कहते हैं और कहां पे होती है? माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑकर्स इन सोमैटिक सेल एंड स्टेम सेल्स ऑफ द बॉडी, वेयर एज द प्रोसेस ऑफ मियोसिस ऑकर्स इन द जर्म सेल। तो सोमैटिक सेल क्या होते हैं और जर्म सेल क्या होते हैं? माइटोसिस जो है, अब देखिए टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो है वो दो प्रकार के हो गए, मियोसिस एंड माइटोसिस। तो माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो होती है वो सोमैटिक सेल और स्टेम सेल के अंदर होती है, और मियोसिस जो है वो जर्म सेल के अंदर होती है। जर्म सेल यानी कि हमारे बॉडी के अंदर टेस्टिस, ह्यूमन बींग के अंदर टेस्टिस और ओवरी जो है फीमेल्स में, ये जर्म सेल्स है, और ये दोनों को छोड़ के यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये दो ऑर्गन्स है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, इनको छोड़ के हमारे बॉडी के अंदर सभी सेल जो है उसे सोमैटिक सेल कहा जाता है। और स्टेम सेल जो है वो स्टेम सेल्स हमारे बोन मैरो के अंदर होते हैं, एडिपोस टिश्यूज के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, दैट हैव द कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स द स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स, तो इसे स्टेम सेल कहते हैं। तो स्टेम सेल और सोमैटिक सेल में माइटोटिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन होती है, और मियोसिस जो है वो होते हैं हमारे जर्म सेल के अंदर। बिफोर स्टडी ऑफ द सेल डिवीजन वी शुड हैव टू नो द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, तो सेल का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस अबाउट द सेल, तो सेल का स्ट्रक्चर हमें पता है बच्चों, द सेल, ये देखिए यहाँ पे सेल आपको समझाने के लिए दिखा, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इनसाइड द सेल देर इज अ न्यूक्लियस, तो हर सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनके बीच क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें बाकी सभी सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। जनरली क्रोमोसोम्स आर इनविजिबल एंड दे आर विजिबल ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जनरली सेल न्यूक्लियस के अंदर हमें क्रोमोसोम दिखाई नहीं पड़ते, सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही वो दिखाई पड़ते। और न्यूक्लियस के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। तो ये हो गए हमारे सेल का स्ट्रक्चर, इसको हमें याद रखना है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, उसमें न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। अब हम रुख करते हैं सेल डिवीजन की तरफ। तो सेल डिवीजन हमारे बॉडी के अंदर कैसे होता है, एंड विच आर द ऑर्गन्स ऑफ द सेल टेक्स पार्ट इन द सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में इसमें न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। तो हमारे बॉडी के अंदर जो है क्रोमोसोम्स जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है। व्हाट इज द शेप ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का शेप कैसे होता है? अब यहाँ पे जो है आपके सामने क्रोमोसोम्स है, पहले तो जो है जनरली द क्रोमोसोम्स हैव अ लीनियर शेप, क्रोमोसोम जो है उनका शेप जो है लीनियर होता है। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, जिस तरह से धागे के जैसे स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर।
पर जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स जो है उनका कंडेंसेशन होता है, तो ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है ये कंडेंस होते हैं, एक दूसरे की तरफ बाउंड होते हैं और इससे क्रोमोसोम्स तैयार होते हैं, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन द क्रोमोसोम्स आर अपियर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो सेल डिवीजन के दौरान ही हम क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पा सकते हैं, और कंडेंसेशन होने के बाद क्रोमोसोम्स इस तरह से हमें दिखते हैं। तो एक्चुअली दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, इट अपियर्स लाइक अ एक्स शेप एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। अब हम इसे लेबल करेंगे, गिव द नेम्स टू द फिगर, इस फिगर को, एक क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पी आर्म, इसे हम कहते हैं पी आर्म। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स टू विच द आर्म्स आर अटैच दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर, तो इसे कहते हैं सेंट्रोमियर। तो बच्चों ये है क्यू आर्म, और क्रोमोसोम्स जो बना हुआ होता है वो डीएनए से बनता है। तो बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन द सेल डबल अप इट्स क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दैट इज इफ द क्रोमोसोम्स आर 2n इट इज डबल अप। तो 2n और 4n कैसे, क्रोमोसोम्स जो है वो 2n कंडीशन में होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, और सेल डिवीजन के दौरान जो है क्रोमोसोम्स होते हैं 4n कंडीशन में। यानी कि 2n कंडीशन क्या है, ईच एंड एवरी क्रोमोसोम्स, हर एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रोमोसोम की संख्या फिक्स होती है और क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो हर एक पेयर के अंदर, पेयर यानी कि हर एक पेयर में दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इन द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स The two chromosomes are present in a pair and both are homologous chromosome and such condition is called as 2m. अब सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, इस क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ती है, क्रोमोसोम्स डबल होते हैं, ड्यूरिंग देयर ऑकर्स द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए जो है डीएनए की कॉपीज तैयार करता है, क्रोमोसोम्स किससे बने हैं, डीएनए से बने हो, और डीएनए की कॉपीज तैयार होती है, और डीएनए की कॉपीज तैयार होने की वजह से एक क्रोमोसोम्स जो है इस तरह से, अब एक क्रोमोसोम से तो ये पेयर में हर एक क्रोमोसोम जो है उसकी कॉपी तैयार करता है, और कॉपी तैयार होने की वजह से यहां पे कितने क्रोमोसोम्स तैयार हुए, एक क्रोमोसोम से चार क्रोमोसोम, और जो डीएनए की रिप्लिकेटेड कॉपी तैयार होती है वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होती है। तो इस तरह से क्रोमोसोम की संख्या जो है वो डबल होती है, कितनी होती है, डबल, यानी कि 2n कंडीशन, 4n कंडीशन, 2n कंडीशन, तो क्रोमोसोम नॉर्मली प्रेजेंट इन द पेयर एंड इट इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड कंडीशन, इसे हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कंडीशन। डिप्लॉइड कंडीशन में क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड इफ द ओनली वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट फ्रॉम द पेयर देन इट इज कॉल्ड एज n कंडीशन, एंड एन कंडीशन इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड। तो एन कंडीशन को क्या कहते हैं बच्चों, हैप्लॉइड, आ गया समझ में, हैप्लॉइड यानी कि पेयर में का एक ही क्रोमोसोम्स अगर प्रेजेंट है तो उसे हैप्लॉइड कहेंगे, क्रोमोसोम्स अगर पेयर में प्रेजेंट है तो डिप्लॉइड है, और सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम की संख्या डबल होती है तो 2n कंडीशन, यानी कि हर एक पेयर जो है उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या डबल होती है, तो इसीलिए इसे 4n कंडीशन कहते हैं। आ गया बच्चों समझ में, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड एंड 4n कंडीशन, ये सभी चीजें जो है आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं बच्चों क्रोमोसोम्स जो है उनकी डिवीजन होती है, तो क्रोमोसोम्स आर डिवाइड, एंड क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं उस दौरान क्या होते हैं क्रोमोसोम। अब देखिए बच्चों यहां पे क्रोमोसोम जो है इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द क्रोमोसोम्स, दिस वन इज द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम्स, एंड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन एक क्रोमोसोम से इट फॉर्म्स द कॉपी ऑफ डीएनए। अब डीएनए की दूसरी कॉपी तैयार होने की वजह से अब यहां पे देखिए क्रोमोसोम्स की दूसरी कॉपी तैयार हुई है, तो इस तरह से दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, ये दोनों कॉपी जो है एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, दे आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड, इसे क्या कहते हैं बच्चों, सिस्टर क्रोमेटिड। तो सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं बच्चों, सिस्टर क्रोमेटिड रेफर्स टू द आइडेंटिकल कॉपीज फॉर्म बाय द डीएनए रिप्लिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड बोथ कॉपीज आर जॉइंटेड बाय अ कॉमन सेंट्रोमियर। यानी कि ये क्रोमोसोम से, फिर से मैं डायग्राम से बताता हूँ, एक क्रोमोसोम से ये यहाँ पे सेंट्रोमियर है, अब क्रोमोसोम्स जो है इसमें डीएनए जो है रिप्लिकेट करता है, जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम्स की दो कॉपीज यहाँ पे तैयार होती है, लेकिन ये दोनों कॉपीज जो है एक दूसरे के साथ अटैच रहती है, और इसको ही हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड।
अब इतने सारी चीजें अगर आपको समझ में आए होगी तो अब हम सेल डिवीजन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो पहले तो हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन, पहला टाइप जो है माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। माइटोसिस इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो माइटोसिस क्या होती है? माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन व्हिच ऑकर्स इन द सोमैटिक सेल एंड द स्टेम सेल। देयर आर टू मेन स्टेप्स इन द माइटोसिस। माइटोसिस में दो स्टेप्स होती है। पहली तो है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। अब कैरियोकाइनेसिस जो है ये फर्स्ट स्टेप है और ये जो है सेकंड स्टेप है। तो कैरियोकाइनेसिस इट इज डिवाइड इनटू फोर स्टेप। तो कैरियोकाइनेसिस के फोर स्टेप होते हैं। पहला जो है प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड इज मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज एंड फोर्थ इज टीलोफेज। दिस फोर स्टेप्स आर ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ये कैरियोकाइनेसिस के चार टाइप्स है और दिस वन इज द साइटोकाइनेसिस। इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो बच्चों माइटोसिस जो है उसके दो स्टेजेस है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। यानी कि कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर का डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन है, साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले जो है न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो चार स्टेप में होता है। तो पहली स्टेज जो है वो है प्रोफेज, मेटाफेज, थर्ड स्टेज जो है एनाफेज और फोर्थ जो है टीलोफेज। तो पहली फेज के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज प्रोफेज। तो व्हाट हैपेंस इन द प्रोफेज? अब देखिए बच्चों ये हमारी सेल है, तो सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो सेल का है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक छोटा स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से कॉइलिंग उसका होता है, और इसको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। एंड जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो फर्स्ट स्टेज प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखता है इसे हम कहते हैं सेंट्रीओल, सेंट्रीओल। अब क्या क्या चेंजेस होते हैं प्रोफेज के अंदर, इसके बारे में हम देखेंगे। अब देखिए बच्चों इन द प्रोफेज देयर ऑकर्स द कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थीन क्रोमोजोम्स एंड कंडेंसेशन ऑफ थीन थ्रेड लाइक क्रोमोजोम्स स्टार्ट, एंड ड्यू टू दिस दिस क्रोमोजोम्स बिकम्स थिक एंड दे स्टार्ट टू अपियर अलॉन्ग विद देयर सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड सेंट्रीओल। जो सेंट्रीओल यहां पे हुए, दिस सेंट्रीओल इज ऑल्सो स्टार्ट टू डुप्लीकेट्स एंड ईच सेंट्रीओल मूव्स टूवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपीयर। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं यहां पे? पहले तो क्रोमोजोम जो है वो थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर है, तो इसका कंडेंसेशन होता है, जिसकी वजह से क्रोमोजोम जो है थिक होते हैं। यहां पे देखिए द क्रोमोजोम्स दे बिकम्स अ वेरी थिक एंड ड्यू टू दिस वी कैन विजिबल द सेपरेट क्रोमोजोम्स। एट द सेम टाइम देयर ऑकर्स द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोजोम्स। अब क्रोमोजोम जो है उसकी कॉपीज तैयार करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्रोमोजोम्स के दो पेयर है, देयरफॉर इट इज प्रेजेंट इन 2n कंडीशन एंड दिस 2n कंडीशन क्रोमोजोम का डुप्लीकेशन होने की वजह से यहाँ पे क्रोमोजोम की संख्या डबल होती है। यानी कि दो 2n कंडीशन, यहाँ पे दो पेयर है क्रोमोजोम्स के, यानी कि हर एक पेयर में दो क्रोमोजोम्स है, और हर एक क्रोमोजोम्स जो है वो डुप्लीकेट होता है, उसकी कॉपी तैयार होती है, और कॉपी तैयार होने की वजह से ये जो कॉपी है ये क्रोमोजोम्स के साथ अटैच रहती है सेंट्रोमियर के साथ। सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर में होता है क्रोमोजोम्स के, और उसके साथ अटैच होती है, और इसी को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसी को क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। यानी कि बेसिकली ये जो है क्रोमोजोम इस तरह के था, और ये क्रोमोजोम जो है उसका डुप्लीकेशन हो गया, और डुप्लीकेशन होने के बाद यहाँ पे दो क्रोमोजोम्स तैयार हुए, बट दे आर स्टिल अटैच विथ ईच अदर। ये दोनों क्रोमोजोम एक साथ अटैच हुए हैं, अटैच रहते हैं इसके साथ, इसीलिए इसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। और जो है दूसरा चेंजेस क्या आता है, ये जो सेंट्रीओल जो है यहाँ पे हमने देखा है, ये सेंट्रीओल जो है वो डुप्लीकेट होता है, इसके भी दो
सेंट्रीओल तैयार होते हैं और दोनों सेंट्रीओल जो है वो सेल के अपोजिट पोल में जाते हैं, तो दिस सेंट्रीओल्स रीच टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। और तीसरा चेंज क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे देखिए ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस है वो डिसअपीयर होना शुरू होता है, कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं होता है लेकिन उसका डिसअपीयर होना उसकी शुरुआत होती है। दीज आर द चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग द प्रोफेज। तो फर्स्ट क्या है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होने की वजह से वो थीक बनते हैं, सेंट्रीओल डुप्लीकेट होता है और डुप्लीकेटेड सेंट्रीओल जो है दो सेंट्रीओल अपोजिट पोल में जो है वो सेल के रीच होते हैं, उससे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो है वो डिसअपीयर होना स्टार्ट होता है। अब प्रोफेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज इज मेटाफेज। तो बच्चों अब मेटाफेज में क्या होता है, यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं आप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली डिसअपीयर इन मेटाफेज, क्रोमोसोम्स कंप्लीट देयर कंडेंसेशन एंड बिकम्स क्लियरली विजिबल अलोंग विद देयर सिस्टर क्रोमेटिड। All chromosomes are arranged parallel to the equatorial plane, that is the central plane of the cell, and special type of flexible protein fibers called as spindle fibers are formed between centromere and each chromosomes and both centrioles. आगे बच्चों समझ में, तो मेटाफेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो पहले जो है क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है और कंडेंसेशन कंप्लीट होने के बाद क्रोमोसोम जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड के साथ हमें पूरी तरह क्लियरली न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देता है। और इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस जो है वो कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है, जिसकी वजह से अब पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर हमें क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है पूरी तरह से नष्ट हो गया, डिसअपीयर हो गया, न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो गया। अब ये जो सेंट्रीओल था, सेंट्रीओल और क्रोमोसोम्स जो है इसके बीच में स्पिंडल फाइबर तैयार होते, सेंट्रीओल, दिस वन इज द सेंट्रीओल, और क्रोमोसोम्स का ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर और सेंट्रीओल इनके बीच में जो है ये फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स के फाइबर्स जहां पे तैयार होते, एंड दीज फाइबर्स आर कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर, और इन धागों को कहते हैं स्पिंडल फाइबर। अब स्पिंडल फाइबर यहां पे तैयार हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड जो है यहां पे हमें दिखाई दे रहे, और तीसरा जो है क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये जो इक्वेटोरियल प्लेन यानी कि सेंट्रल पार्ट जो है क्रोमोसोम्स का, इस सेंट्रल पार्ट में क्रोमोसोम जो है ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से सेंट्रीओल, हर एक क्रोमोसोम्स के सेंट्रीओल, सेंट्रोमियर और सेंट्रीओल के बीच में जो है प्रोटीन फाइबर्स यानी कि स्पिंडल फाइबर्स तैयार होते हैं। आफ्टर द मेटाफेज नेक्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज एनाफेज। तो मेटाफेज के बाद क्या होती है, नेक्स्ट सेकंड स्टेज जो है एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है बच्चों, इन एनाफेज यहां पे डायग्राम में देखिए, इन एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड देयर बाय सिस्टर क्रोमेटिक्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड दे आर पुल इन अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स, देन द क्रोमोसोम्स बीइंग पुल अपीयर्स लाइक अ बंच ऑफ बनाना। इन दिस वे ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। तो एनाफेज में क्या होता है बच्चों, स्पिंडल फाइबर जो है तैयार हुए है सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल के बीच में, तो ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स दे कैन पुल अप द क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम जो है सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, तो इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, अपोजिट पोल में खींचते, जिसकी वजह से ये सिस्टर क्रोमेटिड जो है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जो एक दूसरे के साथ सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते थे। अब नाउ दिस सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम, ये जो सेपरेट जो सिस्टर क्रोमेटिड हुए हैं इसे अब कहा जाता है डॉटर क्रोमोसोम्स। तो इस तरह से जो क्रोमोसोम्स जो है वो पुल होते हैं, सेंट्रोमियर उसे खींचता है, तो उस तरह हमें बनाना के बंच की तरह ये दिखाई देते, और फाइनली ड्यू टू द पुलिंग ऑफ दिस क्रोमोसोम्स डॉटर क्रोमोसोम्स दे रीच टू द अपोजिट पोल्स एंड इन दिस वे द टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म। तो इस तरह से क्रोमोसोम्स के
दो सेड जो है यहाँ पे तैयार होते हैं, और इसके साथ टिलोफेज जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है, और सॉरी एनाफेज यहाँ पे कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट स्टेज जो है वो टिलोफेज स्टार्ट होती है। आफ्टर एनाफेज नेक्स्ट स्टेज इज टिलोफेज। तो टिलोफेज जो है ये न्यूक्लियर डिवीजन की लास्ट स्टेज है। अब टिलोफेज में क्या होता है, यहाँ पे डायग्राम में देखिए बच्चों, द क्रोमोसोम्स व्हिच हैव रीच एट द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल नाउ स्टार्ट टू डीकंडेंस, ड्यू टू व्हिच दे अगेन बिकम्स थ्रेड लाइक थिन एंड इनविजिबल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स रीच एट पोल, thus two daughter nuclei are formed in a cell. Nucleolus also appear in each daughter nucleus. Spindle fibers completely disappear. तो टिलोफेज में क्या होता है, यानी कि जो पहले प्रोफेज में हुआ था उसके उल्टी प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होती है। प्रोफेज में क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन हुआ था जिसकी वजह से थिक हुए थे। अब टिलोफेज में क्या होता है, अब क्रोमोसोम्स के दो सेट यहाँ पे तैयार हुए, अब ये क्रोमोसोम जो है उनका डीकंडेंसेशन होता है, यानी कि पहले की तरह वो थ्रेड की तरह तैयार होते हैं और इनविजिबल होते हैं और हमें दिखाई नहीं देंगे, और उसके साथ साथ हर एक क्रोमोसोम्स के सेट के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे तैयार होता है। नाउ यू कैन सी द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे तैयार हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके साथ साथ दो न्यूक्लिया तैयार हुए, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लिया तैयार हुए, एंड दे आर कॉल्ड एज डॉटर न्यूक्लियस। डॉटर न्यूक्लियस दो है तो इसे हम कहेंगे डॉटर न्यूक्लिया, विच कंटेन्स द टू एन क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम्स के दो पेयर, यानी कि दो पेयर के क्रोमोसोम्स थे यहां पे, दो पेयर क्रोमोसोम्स थे, दो पेयर से कितने क्रोमोसोम्स तैयार हुए थे, इस तरह से चार क्रोमोसोम्स की कॉपीज तैयार हुई थी, ये एक ही सेल के अंदर थे, यहां पे देखिए एक ही सेल के अंदर। अब जो है ये सेल के अंदर जो है सेपरेट हुए हैं, और सेपरेट होने के बाद हर एक क्रोमोसोम्स के अंदर जो है ये इस तरह से दो दो पेयर फिर से तैयार हुए हैं। तो इस तरह से 2n कंडीशन यहां पे, यानी कि 2n कंडीशन पहले थी न्यूक्लियस की प्रोफेज के अंदर, फिर जो है वहां पे क्रोमोसोम्स की संख्या डबल हुई थी 4n, और फिर से टिलोफेज के अंदर 2n कंडीशन के साथ दो न्यूक्लियाई तैयार होते हैं, और इसके साथ साथ जो है क्रोमोसोम्स जो है बच्चों कंप्लीटली डिसअपीयर हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पे दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियोलस जो है यहां पे हमें दिखाई दे रहा है, दिस वन इज द न्यूक्लियोलस, और जो है सेंट्रीओल जो है ये पहले डुप्लीकेट हुआ था, फिर से हमें एक ही सेंट्रीओल यहाँ पे हर सेल के अंदर दिखाई दे रहा है, एक सेंट्रीओल एक सेल के अंदर और दूसरा सेंट्रीओल दूसरे न्यूक्लियस के पास जाता है, इस तरह से सेंट्रीओल, और सेंट्रीओल ने जो स्पिंडल फाइबर तैयार किए थे वो स्पिंडल फाइबर भी डिसअपीयर हुए हैं, यानी कि टिलोफेज के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तैयार होता है, न्यूक्लियस जो है वो फिर से रीअपीयर होता है, और क्रोमोसोम्स जो है ये डीकंडेंस होने के बाद फिर से डिसअपीयर होते हैं, और स्पिंडल फाइबर भी यहाँ पे कंप्लीटली डिसअपीयर होते हैं। फिर भी जो है यहाँ पे दो न्यूक्लिया तैयार हुए, लेकिन दोनों सेल जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ पे न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हुई, और फिर जो है कैरियोकाइनेसिस कंप्लीटेड हियर, नाउ इट्स बिगिंस द साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो है वो स्टार्ट होता है, न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट होने के बाद साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पे डिवाइड होता है। अब न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट होने के बाद दो डॉटर न्यूक्लिया यहाँ पे तैयार हुए, दीज आर द टू डॉटर न्यूक्लिया, और जो है वो सेल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब जो है देयर ऑकर्स द फॉर्मेशन ऑफ नॉच इन द इक्वेटोरियल प्लेन, ये जो इक्वेटोरियल यानी कि सेंट्रल पार्ट जो है इसमें नॉच हो जाती है, खाच आ जाती है, एंड दिस नॉच गोज डीपर एंड डीपर, एंड फाइनली द टू सेल्स दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, तो दो सेल जो है एक दूसरे से सेपरेट होते है। However, in case of the plants, instead of the notch, there occurs the formation of cell plate exactly in the middle of the cell. यानी कि एनिमल सेल के अंदर नॉच यानी कि खाच तैयार होती है, और प्लांट सेल के अंदर एक प्लेट तैयार होती है जिसे हम सेल प्लेट कहते हैं, और ये सेंटर में तैयार होती है, और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म की डिवीजन तैयार होती है, दोनों सेल के अंदर इक्वली साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और दो न्यू सेल्स
यानी कि टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्स फ्रॉम अ सिंगल सेल विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट दैट ऑफ द पेरेंट सेल। हमने जो अभी देखे हैं न्यूक्लियर डिवीजन, इसमें कितने थे, टू पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि चार क्रोमोसोम्स थे, और डुप्लीकेट होने के बाद जो है नए सेल जो तैयार होते हैं, तो हर एक सेल के अंदर जो है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ईच सेल एंड देयरफॉर द न्यू सेल्स आर फॉर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस आर जेनेटिकली सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल। ये जो है ये पेरेंट सेल है और दीज आर द डॉटर सेल्स विच आर फॉर्म्स एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड एज माइटोसिस, एंड दिस माइटोसिस ऑकर्स इन द सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स। सोमैटिक सेल और स्टेम सेल के अंदर ये डिवीजन होती है, और जिसमें जो डॉटर सेल तैयार होते हैं वो जेनेटिकली पेरेंट सेल की तरह ही होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है वो सिर्फ उसकी कॉपीज वहाँ पे तैयार हुए और क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है। दिस इज ऑल्सो पेरेंट सेल इज इन टू एन कंडीशन एंड हियर द डॉटर सेल्स आर ऑल्सो इन टू इन कंडीशन एंड दैट इज द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द पेयर्स। अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कंप्लीट हुए और यहाँ पे हमने माइटोसिस भी कंप्लीट किया है। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, देखो बच्चे यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक सेल जो है एक सेल से यहाँ पे दो सेल तैयार होती है। नाउ सी द इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एंड दिस प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन रिजल्टिंग इन द टू न्यूक्लियाई which are genetically identical to each other and to the parent cell. And mitosis is essential for the growth of the body. Besides, it is necessary for restoration of emaciated body, wound healing and formation of the blood cell. So, mitosis ki wajah se living organism jo hai, isme growth hoti hai. Aur growth hone ke baad jo hai, phir सेल डिवीजन की प्रोसेस थोड़ी धीमी होती रहती है पूरी बॉडी जो है ग्रो होने के बाद। लेकिन जहाँ पे सेल हमारे बॉडी के अंदर जब जब टिश्यूज डैमेज होते हैं, सेल डैमेज होते हैं, सेल नष्ट होते हैं, तो वहाँ पे सेल डिवीजन की प्रोसेस से नए सेल तैयार होते हैं। इमेसिएटेड बॉडी, जब हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी क्षीण होती है और क्षीण बॉडीज को रिपेयर करने का काम सेल डिवीजन से होता है। वाउंड हीलिंग, अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई जख्म हो जाती है तो जख्म मरने का काम जो है वो नए सेल तैयार करने का काम सेल डिवीजन की वजह से ही होता है। और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, ब्लड सेल हमारे बॉडी के अंदर बोन मैरो के अंदर तैयार ही होते, तो ये भी सेल डिवीजन की वजह से ही होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने माइटोसिस की प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द अनदर टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच ऑकर्स इन द जर्म सेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।